इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज से इबादत गाहों को खोल दिया गया और इसी के मद्देनजर आज ACP दफ्तर में तमाम मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों को बुलाकर कुछ हिदायत दी गई। इस वक्त ACP नारायण बर्मनी साहब ने COVID-19 और लॉकडाउन के दरमियान मुस्लिम समाज की जानिब से बेहतरीन ताउन फरमाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि यहाँ पर सभी को बुलाने का मकसद यह नहीं है कि आप पर कुछ पाबंदियों को हम सख्ती से लागू करना चाहते हैं। कोई इंतजामिया तुम्हारी इबादत गाहों में आकर नहीं देखेगा और ना ही आप पर किसी बात की सख्ती की जाएगी कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है या नहीं। लिहाजा यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें, घरों से वजू कर मस्जिद में दाखिल हो, बुजुर्गों को बच्चों को मस्जिद में ना लाए। आगे उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है पर हुकूमत ने इबादत गाहों को खोलने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल चुका है या बीमारी वायरस दबा हुआ है। कोरोना अब हमारे साथ ही रहेगा पर एहतियात हम सबको करना है। लिहाजा हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना महामारी से कैसे बचे। जुमा में मुख्तसर खुतबे से ही नमाज अदा करे, तवील बयानात ना करे। ऐसी भी बात नारायण बर्मनी साहब ने तमाम जमात के जिम्मेदारों को बताई। इस वक्त अंजुमन इस्लाम के तमाम अहबाब और वब बोर्ड चेयरमैन भी इस वक्त मौजूद थे। मुस्लिम जमात वालों को ही नहीं बल्कि हर समाज के लोगों को यह हिदायत दी जा रही है। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सभी में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर रखने की हिदायत दिए गए। आज सोमवार से गवर्नमेंट का गाइडलाइंस चेंज हो गए। मंदिर, मस्जिदें और चर्च में प्रेयर और नमाज और पूजा करने के लिए इजाज़त दिया सोए। यह इजाज़त दिया बोलो तो वो कोरोना हमारा ताल्लुक से, हमारे वतन से चले गए करके ऐसा नहीं है। यह इसके साथ ही हम रहना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा दिन तक हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। क्या बोलो तो इतना दिन के बाद कोरोना गया करके ऐसा गारंटी नहीं है। और 6 महीना 1 साल तक ऐसा इनके साथ इसके साथ ही रहने के लिए हम सीख गए सोए। इसके साथ ही हम प्रैक्टिस हो गए है। और इसका अपील करने के लिए बोला है कुछ गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस गाइडलाइंस कुछ नहीं है। जो बिजनेस जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ सैनिटाइज़र रखने के लिए, मास्क पहनने के लिए, पब्लिक प्लेस जाने के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू होगा। और इसके साथ साथ मंदिर, मस्जिद और चर्च में जो प्रैक्टिस करने वाला है वो सोशल डिस्टेंसिंग करके अपने खुद अच्छे के लिए, लोगों को आम पब्लिक के अच्छे की वजह से वो अवेयरनेस रहने का है। कोरोना गया नहीं, कोरोना हमारा साथ है। किसके पे किसको पॉजिटिव है, किसको नेगेटिव है, हर लोगों के जो है तो एक एक बार आके गया। हमारे इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, छोड़ के दूसरा हम कोरोना भगाने के नहीं होता। इसलिए हमारा खास खास माइनॉरिटी कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम लीडर्स को बुलाए, अंजुमन और कमेटी लीडर्स को, नेता लोगों को बुला के वो समझाने के लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए नहीं है, ये अपील करने के लिए और अवेयरनेस देने का और सेंसिटाइज करने का लोगों को। नमाज के टाइम ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने का है, दो दो तीन तीन जमात शिफ्ट टाइमिंग शिफ्ट करके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो नमाज पढ़ने का जो रिलीजियस प्रैक्टिस है यही रिस्ट्रिक्शंस मंदिर में और चर्च में भी होगा। हर तरफ से जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ज़्यादा लोगों को, आम लोगों को तकलीफ नहीं होना जैसा प्रैक्टिस करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए और ये इनके थ्रू वक्फ कमेटी और अंजुमन कमेटी के थ्रू लोगों को मैसेज पहुंचाने का, ऐसा सोशल मेंटेन करने का। खास तो खास 10 साल का उम्र का छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोग, 60 के ऊपर बुजुर्ग लोग वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने से भी अच्छा घर में, जैसा एक अड़े दो अड़े महीने से करके आ रहा वो घर में नमाज पढ़े तो अच्छा होगा करके यही भी अवेयरनेस दिए। और लोगों को, पब्लिक को ये हमारा लीडर के थ्रू काम, पब्लिक को, मौली लोगों को, मुतावली को मस्जिद में जो जो रिस्ट्रिक्शन प्रैक्टिस करने का है, हम पुलिस वाला और कोई डिपार्टमेंट वाला आके मस्जिद में, मंदिर में चेक करके ये क्यों इतना जमा होगा, उतना जमा होगा, हम चेक करने के लिए क्या पनिशमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। खुद के लिए, खुद अच्छे के लिए, आम पब्लिक के अच्छे करें, बेलगम तमाम बेलगम लोगों के अच्छे के लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए अपील करने के लिए एक एक इसके लिए सेपरेट सेपरेट मीटिंग बुला के ये कर रहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ACP बर्मनी साहब खड़े बाज़ार CPI और मार्केट के खड़े बाज़ार ACP और मार्केट CPI साहब ने एक मीटिंग तलब की थी ACP ऑफिस में कि आज मस्जिदें खुली जा रही है हुकूमत की जानिब से और
कि इस तरह से जो है नमाजी अपने मस्जिदों में नमाज अदा करें, ये हमारी हिफाजत के लिए किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस बीमारी जो है ये चली नहीं गई है, और इसकी हिफाजत किस तरह से हो और इस बीमारी से रोकथाम किस तरह से हो। इस बीमारी की असल वजह जो है एक दूसरे का मिलना, एक दूसरे को मुसाफा करना, एक दूसरे से हाथ मिलना, एक दूसरे को हाउस के पानी से दूसरा आदमी हाउस के पानी को इस्तेमाल करना, एक दूसरे की टोपी दूसरे आदमी ने टोपी डाल लेना, एक मस्जिद में टॉवल जो है वो इस्तेमाल करना, ये अंजुमन के जानिब से जो गाइडेंस दिए गए हैं सब मस्जिदों के मुतवल्लियों को पहुँचा दिया गया है। और आपसे मोदीबाना और आजीज़ाना गुजारिश है कि आप सेल्फ डिस्टेंस रखें, खुली जगह 3 फीट कम से कम रखें, और अपना जायनमाज खुद लेकर आए आप मस्जिद को, और यहाँ पर आते वक्त जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखें, वज़ू के लिए अपने घरों से वज़ू करके आए। यहाँ जो मीटिंग हुई, ख़ास लोगों को जो जिम्मेदारान हैं उनको बुला के मीटिंग हुई, इसके अंदर ये तय पा गया कि जो करोना जो उसका जो सीज़न चल रहा था, ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी भाग के नहीं गया करोना इंडिया छोड़ के, उसको उसके साथ सामना करना है। और थोड़ा सा जो मस्जिद चर्च मंदिर जो ओपन हुआ है, हर एक काम पे उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, मंदिर में भी रिस्ट्रिक्शन है, चर्च में भी रिस्ट्रिक्शन है, और हमारे मस्जिद में भी रिस्ट्रिक्शन है। सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए अपनी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें, ये इतना ही गवर्नमेंट का ये कहना है कि बच्चों को और बड़ों को यानी अब वो 65 एज वालों को मस्जिद में ना आने दें। बेलगाम जिले में पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। शहर के अतराफ में भी पॉजिटिव मरीज पाए जाने से हलचल मची हुई। वड़गांव ढोरगली इलाके से 4 पॉजिटिव हासिल होने के बाद एक बार फिर क्वारंटाइन अफरादों की तादाद काफी बढ़ सकती है। तकरीबन 30 मरीज हुक्केरी तालुका से, निपानी से 2 पॉजिटिव, कुल तादाद 40 के करीब हो चुकी है। अब बेलगाम जिला 300 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते मरीजों से सेहत महकमा भी काफी परेशान हो चुका है। तमाम मरीजों में अहम बात यह रही कि सभी महाराष्ट्र रिटर्न है। आज एक ही दिन में रियासत कर्नाटक में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 300 के पार पाई गई। आज बेलगाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। पिछले 24 घंटों में 40 के करीब कोरोना मुतासिर मरीजों का टेस्ट नेगेटिव होने से डिस्चार्ज दिया गया। अब तक डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 165 हो चुकी है। रियासत में कुल डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 2132 हो चुकी है। अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। बेलगाम में सिर्फ एक की मौत हुई है। बेलगाम जिला में हुक्केरी पॉजिटिव मरीजों में आगे बढ़ रहा है। एक ही दिन में 30 मरीज पॉजिटिव होने से पूरे तालुका में डर खौफ का माहौल पाया जा रहा है। अब सिर्फ हुक्केरी तालुका के मरीजों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है। बेलगाम शहर में एक अजीब मामला यह भी देखा गया कि पूना से बेलगाम पहुंचे 6 मुसाफिर क्वारंटाइन के डर से लापता हुए। बेलगाम कॉरपोरेशन इनकी तलाश कर रही है। हुकूमत सेवा सिंधु ऐप में नाम दर्ज करने की सख्ती कर रही है, पर इसमें भी कुछ जुगाड़ कर लोग इसमें से निकलते जा रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र से बेलगाम आने वाले इस तरह की तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शनिचर के रोज पूना से बेलगाम दाखिल होने वालों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए कुमार गंधर रंग मंदिर जाना था, पर यह लोग कुमार गंधर्व रंग मंदिर पहुंचे ही नहीं। लिहाजा कॉरपोरेशन बेलगाम ने इन्हें ढूंढना शुरू किया है। इनके मोबाइल नंबर पर राब्ता करने से नंबर को बंद किया गया। लिहाजा क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी जिन अफसरान पर थी उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। 6 अपराधों को लापता घोषित किया गया। सुभाष नगर में ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर बहने से वहां के रहने वालों की सेहत पर असर होने की बात सुभाष नगर के लोगों ने कही है। इनका कहना है कि गली मोहल्ले में छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, हर साल बारिश के पानी की वजह से ड्रेनेज की पाइपें ओवरफ्लो हो जाती है, लिहाजा ड्रेनेज के चैम्बर से पानी बाहर सड़कों पर बहने लगता है। लिहाजा मोहल्ला वालों ने कई बार कॉरपोरेशन में शिकायत दर्ज की, पर तवज्जो नहीं दी जा रही। वहां के लोगों का यह भी कहना है कि पिछले कई सालों से इस परेशानियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में वहां जीना मुहाल हो जाता है। अगर ड्रेनेज के बहते पानी के मसले को हल नहीं किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। ये सुभाष नगर सेकंड क्रॉस की ड्रेनेज की हालत है। यहाँ के कॉरपोरेशन को हम बताने के बाद भी वो जल्दी कुछ एक्शन लेता नहीं। ये तकरीबन 7 से 8 साल की प्रॉब्लम है। एक बारिश होने के बाद में ये ऐसे फ्लो चालू हो जाता है।
यहाँ से घर के सामने से सभी पानी जाता है, फिर ये कितने भी बार हम बताएंगे तो कुछ प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं करते। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, ना अथॉरिटी कुछ एक्शन ले रही है, ना यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कुछ एक्शन ले रहे हैं। अगर ये एक्शन जल्द से जल्द बारिश के पहले नहीं ख़त्म किया तो हम खुद ही एक्शन लेंगे और खुद ही आकर कॉरपोरेशन में सभी लोग पूरे सुभाष नगर के आकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये सब 4 साल से प्रॉब्लम चल रहे हैं क्या, और बारिश आने की वजह से पूरा ओवरफ्लो होकर रोड पे आता है पानी। हम इसके पहला भी इंद्रगाम में भी दिए हुए रिपोर्ट, आप भी होता उतना लेके ये बेलगाम के डीसी ऑफ कमिश्नर के सामने ये बात हमारी रख के ये हमारे को जल्द से जल्द ये विजिट लाइन हमारे को चेंज करके देना। आरपीआई पार्टी समता सैनिक दल की जानिब से आज डॉक्टर एम वेंकट स्वामी का 66वां यौम पैदाइश बेलगाम में मनाया गया। इस वक्त बतौर मेहमान खुसूसी सदर रियासत आरपीआई समता दल के खुद डॉक्टर एम वेंकट स्वामी ने शिरकत फरमाई। दिगर मेहमानों में परशुराम शिंदे, दिलशाद तहसीलदार नासिर पठान, हनुमंत अक्सीमनी और मोहम्मद साहब सूबेदार महबूब मुल्ला नामदेव अलबाड़ इस वक्त मौजूद रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।